नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात और जय माधव। तो मैं हूं रोशन, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और मैं फिर से आ चुका हूं अपने चैनल डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी, यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। और आज दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट है डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी, यानी कि अपनी कठिनाइयों का सामना करो और नए नए अवसर खोजो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ अपनी स्टोरी की। दोस्तों, आप और हम सभी लोग अपने घरों में जो खाना खाते हैं वो स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, डिस्पोजल्स होते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, यानी कि बेसिकली वो सारे प्लास्टिक के बर्तन जो कभी कभार हम लोग घूमने फिरने जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने घर के बर्तन नहीं ले जा सकते, उन्हें इस्तेमाल करके जब फेंक देते हैं तो उनसे कितना कचरा निकलता है, और वो जो कचरा निकलता है वो देश के लिए कितना, यानी स्वास्थ्य के लिए, देश के ताज़ा वातावरण के लिए कितना हानिकारक होता है। एक तरफ हमारे मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग कचरे पे कचरा, प्लास्टिक वेस्ट यूज़ कर करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद घर में बर्तन तो धोना ही पड़ते हैं, लेकिन कैसा रहे कि अगर आप लोगों को ऐसे बर्तन मिले जिन्हें आप खाना खाने के बाद बर्तन भी खा जाए। क्या हुआ, यकीन नहीं हुआ ना? जी हाँ, बर्तन उन्हें खा जाए, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, बैंगलोर में एक कंपनी है जिसका नाम है एडिबल प्रो, जिसके ऑनर है शैलजा गुरुदत्त और लक्ष्मी जी। इन दोनों महिलाओं ने मिलके क्या क्रिएटिव कॉन्सेप्ट निकाला है। इन दोनों महिलाओं ने ऐसे टेबल वेयर बनाए हैं, एडिबल टेबल वेयर, जिनमें आप खाना परोसे, खाना खाएं और उसके बाद आप वो बर्तन भी खा सकते हैं, बिकॉज वो भी वीट फ्लोर इस तरह के कंज्यूमेबल आइटम से उन्होंने उस चीज़ को बनाया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कैसे। देखिए दोस्तों, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक की प्लेट्स होती है, प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, इनका हम यूज़ कर लेते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, तो ये जो वेस्ट होता है कई कई सालों तक ये ज़मीन के नीचे वैसा का वैसा पड़ा रहता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता, यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महिलाओं ने क्या किया कि बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जब इन बर्तनों को आप खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, तो ये बायोडिग्रेड हो जाते हैं, यानी मैन्यूअल, यानी खाद के रूप में धरती में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक तरफ हमारे मोदी जी स्वच्छता मिशन चला रहे हैं और उसमें इस कंपनी ने एक बिजनेस का आइडिया भी ढूंढ लिया और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ढूंढा, ताकि वेस्ट ना हो, एडिबल प्रो हो, और ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन्होंने समाज का कितना भला किया, ये देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस कंपनी की वेबसाइट दे दूंगा, आप चाहें तो उनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि बिजनेस के आइडियाज़ कहाँ से ढूंढे, कैसे मिलेंगे, ये देखिए। एक डिफ़िकल्टी थी कि प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वही हम ट्रेनों में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, बुक करते हैं होटल से, तो वो सब प्लास्टिक में आता है, इस्तेमाल किया, फेंक दिया, ढेर सारा कचरा हो गया। इस डिफ़िकल्टी में शैलजा गुरुदत्त जी और जो उनकी सहयोगी हैं लक्ष्मी जी को नज़र आया एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी। देखा दोस्तों, इसी में उन्हें एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उन्होंने गो ग्रीन इनिशिएटिव को फॉलो किया और ऐसे आइटम बनाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, सस्ते भी हैं, आपके इस्तेमाल में आते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि मुश्किलों और चुनौतियों में से ही बिजनेस के अवसर को ढूंढा जाता है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने आसपास देखिए, अपने आसपास निहारिए, कहाँ डिफिकल्टीज है, कहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हो सकता है उन्हीं में से आपको भी कोई बिजनेस का आइडिया मिल जाए, और हो सकता है कल इस तरीके से मैं आप लोगों का वीडियो बनाऊँ। तो जल्दी जल्दी कीजिए और अपने लिए नए बिजनेस के आइडियाज ढूंढना शुरू कीजिए। तो ये थी इस बार की इंस्पायरिंग स्टोरी। तो इस स्टोरी से मैंने ये सीखा कि अगर आप लोगों का भला करें या एनवायरमेंट फ्रेंडली बने, तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस हो सकता है। तो जल्दी जल्दी अपने आसपास देखिए, कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ डिफिकल्टीज चल रही हैं, और उसी में से कोई ना कोई बिजनेस का नया अवसर ढूंढिए, और हो सकता है अगली बार मैं आप लोगों का वीडियो बनाऊं। तो चलते हैं इस बार के लिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आप किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय माता।